أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجهم وسلم تسليما كثيرا وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال عز وجل في مقام آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

दोस्ती का मेार क्या होना चाहिए किन लोगों से दोस्ती करना चाहिए इस सिलसिले में चंद अहम बातें आपके सामने मैंने रखी थी दूसरा जो मौजू का जो दूसरा शिक है इस्लामी भाई इस्लामी भाइयों से दोस्ती हो तो देखिए इस्लाम ने इस्लामी भाई चारगी के सिलसिले में बहुत ज़ोर दिया है ताकीद की है और इस्लाम ने तमाम मुसलमान को ये भाई भाई करार दिया है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं एक दूसरे से वो महबत करते हैं एक दूसरे के साथ हमदर्दी खैर खाई के जज्बात रखते हैं अल्लाह ताला ने सरय हजरा में कहा कहावा कि यकीनन तमाम मोमिन जो है आपस में भाई हैं मोमिन जो है आपस में भाई हैं और इन भाइयों के आपस के ताल्लुकात की नोयत कैसी होनी चाहिए इसके बारे में देखिए सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत की आयत नंबर सेवेंटी वन में मात बाद अलिया उबाद अल्लाह ने कहा मोमिन बंदे और मोमिन बंदिया आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं मददगार है, मुआविन। क्या करते हैं किस मामले में दोस्त हैं भलाई का हुक्म देने में बुराई से रोकने में नमाज़ क़़म करने में ज़क़़त देने में अल्लाह उसके रसूल की इतात करने में आखिर में अल्लाह ने कहा उम्मीद है कि अल्लाह तला इन पर रहम फरमाए अल्लाह ताली अजीज़ है अल्लाह ताली हकीम तो इस आयत करीमा में अल्ला ने तमाम मुसलमानों को आपस में मददगार दोस्त अल्लाह ने नेरार दिया और इसी आपसी ताल्लुक की बिना पर उसके तखाजे आगे भी हकूब में बताऊँगा ख़ास तौर से कि खैरखाई हमें करना है एक दूसरे के हमदर्द हमें बनना है एक दूसरे का ताउन करना है और जो है दोस्ती हमें करनी है मोमिन भाइयों से करनी है और देखिए इस्लामी भाईचारगा भाईचारगी कि मोमिनों से भाईचारगी का मामला हो एक दूसरे को भाई बनाएँ ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत इस्लामी भाईचारा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है सुराल इमरान की व आतम बिहल ला जमीआ वला तफरक़ू जहाँ अल्लाह ने कहा और ये भी कहा कि उस वक्त को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या किया वसबाह तुम भी नमती ही खुाना अल्लाह के ख़ास नहमत की बुनियाद पर ख़ास इकराम करम की बुनियाद पर तुम आपस में भाई भाई बन गए तो मोमिनों को पर बहुत बड़ा एहसान अल्लाह किया और सूर्य अनफ़ाल में कहा वाल्लाफिन वा वा क़लूब अल्लाह ने इनके दिलों में उल्फत मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की अल्लाह के नबी सा आसम से कहाफ़्ता माँ फ़िलद जमिया माँ तबिन अगर आप ज़मीन भर के माल भी ख़र्च करें आप इनके दरमियानफ़त व महबत क़ायम नहीं कर सकते किल्लाफैन हम लेकिन अल्लाह की झात है जिसने मोमिनों के दिलों को जोड़ा है आपस में उल्फत और मोहब्बत अल्लाह ताला ने पैदा की और सहाबा देखी अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से भाईचारगी का मामला किया खास तौर तो से हिजरत करके जाने के बाद मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनसार महाजरीन को आपस में भाई भाई बनाया काफ़ी कुर्बानी दी साहबा कराम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी जिनकी तारीफ़ अल्लाह ताला, ताला ने की कि अपनी ज़रूरत पर भी जो है दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देते हैं वही सरून आलाफुसिम वलो खान अब खसा सा अकबर ये बहुत बड़ी कुरबानी है किसी का साथ देना किसी की मदद करना ये बहुत बड़ी ये भीबानी है उससे बड़ी कुरबानी अपनी ज़रूरत को पीछे रख कर किसी दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना ये ने कई मिसालें साद बिन रबी अब्दुलरहमान बिन आओ रज़ी अल्लाह तुमा का वाक़ा मशहूर हैं कितनी बड़ी कुरबानी सात बिन रबी ने अल्लाह तह ने पेश की आज भी जरूरत इस बात की कि ईमानी तफादा हैं मुसलमान भाइयों से हम दोस्ती करें उनका ताउन करें उनके खैरखा बने हमदर्दी का मामला हो और जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उनके सिलसिले में मदद के सिलसिले में आज के जो हालात हैं माशी एतबार से काफ़ी मुसलमान जो है परेशान हैं पूरी दुनिया में ख़ास तौर तो से हमारे मुल्क में तो ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप ही इस्लामी भाईचारगी का तकाज़ा है कि हम मुसलमान भाइयों से दोस्ती करें उनसे तालुक़ात बढ़ाएँ और अच्छे लोगों का इंतब करें और दोस्ती कहाा करें इस्लामी भाई होने का हकम हाँ अदा करें इन श्ला अगले दुरूस में उसकी तफसली वजाहत आएगी तफसीली के सिलसिले में जो है कुरान हदीस की रोशनी में तफ़ीली बातें मैं बताने बताऊँगा इन उसकी कोशिश की जाएगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली हम तमाम को जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तौफ़ीतः तो फ़रमाएँ और ईमानी जो तखादा हैं भाईचारगी के जो तखाज़े हैं दोस्ती के जो तखादे हैं उसको पूरा करने के अल्लाह शादत नसीब फरमाएँ दोस्तों के हकूक़ अदा करने की तोफ़ीदा फरमाएँ इस्लामी भाइयों के जो हकूक़ बताए गए हैं उन उनकूकों का महा कहु निभाने के अल्लाह शादत नसीब फरमाएँ और इस सिलसिले में जो भी हमसे कोताही सुस्ती काहिल गौलत हो रही अल्लाह तौद दरगुजर का मामला फरमाएँ अल्लाह हर शर से हर गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाए जब तक दुनिया में जिंदा रखें हालत ईमान पर ज़िंदा रखें खातिमा हो तो ईमान की हालत में हो अखुलदल हस्तफ़रलकमल इनमसिमिन السلام عليكم अल्लाम الله वबरकू